सो आज इस वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ इस गाड़ी का एक माइलेज टेस्ट करने वाले हैं, जो कि फुल टैंक टू टैंक करेंगे। मतलब कंपनी इसको 14 लीटर का टैंक बोलती है यार, 14 लीटर पूरा ली नहीं, पता नहीं ये क्या मतलब है। TVS सुधारो यार अपने आप को, इतनी जल्दी अगर ओवरफ्लो कर जाएगी तो फिर क्या मतलब, आदमी टैंक फुल कराएगा और तेल गिरते रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ नोटिस कीजिए, फ्यूल गिर रही है। सो दोस्तों फाइनली आपको रिजल्ट मिल गया, इसके एवरेज लमसम मिल रही। सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। सो आज हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं सुबह 6-6 बजे, आप देख सकते हैं। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि हमने इस बाइक का एक आपके साथ ऑनरशिप रिव्यू से शेयर किया था। सो आज इस वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ इस गाड़ी का एक माइलेज टेस्ट करने वाले हैं, जो कि फुल टैंक टू टैंक करेंगे। और हम लोग अभी ट्रेवल करने वाले हैं यहाँ से दुर्गापुर, जो कि अप्रॉक्स है 200 किलोमीटर्स। और हम इस वीडियो का स्टार्ट कर रहे हैं धनबाद से, जो कि जगह का नाम है बारामूरी। और बने रहे इस वीडियो के लास्ट तक, देखते हैं इसमें क्या माइलेज मिलती है। सो दोस्तों इस गाड़ी में हमें मिल जाती है 225 cc का इंजन, जिसमें हमको मिल जाती है 20 bhp की पावर। और इसका टॉर्क की बात करें तो 19.93 Nm का टॉर्क मिलती है। सो दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं इसकी कंपनी क्लेम माइलेज की, तो वो तो मतलब नेट पर अगर चेक करेंगे तो आप 42 या 40 के समथिंग दिखाएगा। तो आज हम लोग इसका रियल माइलेज टेस्ट करेंगे और साथ में ये भी चेक करेंगे कि इसका जो MID है ये कितना सही बोलती है। अभी आप देखेंगे यहाँ पे DTE दिखा रहा, मतलब डिस्टेंस टू एम्प्टी 6 किलोमीटर। और पहले हम लोग चलते हैं पेट्रोल पंप और इसका पहले टैंक को पूरा फुल करते हैं और फिर आगे देखते हैं क्या इसका प्रोसीजर है। और साथ ही इस डिस्टेंस में हम लोग आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि ये बाइक चलाने में कितनी कंफर्टेबल है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बाइक मेरी नहीं है तो मेरे फ्रेंड की है। तो आज हम इसका पूरा एक आपके साथ शेयर करेंगे कि इसका माइलेज क्या है, इसका परफॉर्मेंस कैसा है इस गाड़ी का। सो बने रहे इस वीडियो का लास्ट तक। तो फाइनली हम लोग यहाँ पेट्रोल पंप पहुँच गए हैं और वो इसका टैंक फुल करवाते हैं पहले सबसे पहले। तो हमारी जो पेट्रोल इसमें आई वो 13.56 लीटर, मतलब कंपनी इसको 14 लीटर का टैंक बोलती है यार, 14 लीटर पूरा ली नहीं, पता नहीं क्यों, जबकि टैंक ऑलमोस्ट खाली थी हम लोग की बाइक की। सो देखते हैं यहाँ से ट्रैवल निकलते हैं अपना, अब स्टार्ट करते हैं अपना जर्नी यहाँ से और मिलते हैं आगे। सो फ्रेंड्स इसके जो टैंक हम लोग पूरा फुल करा दिया, आप यहाँ देख सकते हैं मीटर पे भी, आपको पहले भी दिखाए। और अब हम इसका ट्रिप करेंगे 0 डिस्टेंस टू ट्रेवल दिखा रहा 441 किलोमीटर। ये चल गई है 2382, मतलब 2382 किलोमीटर चल गई गाड़ी अभी तक। और इसका ट्रिप एक करते हैं हम लोग 0। ओके 0 हो गई, ट्रिप भी 4.7 है और स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग अपना डिस्टेंस यहाँ से, देखते हैं क्या माइलेज मिलती है। भाइयों अभी हमने इसमें टैंक इसका फुल कराया और देखिए यहाँ से ओवरफ्लो कर रही है यार, ये क्या मतलब है। TVS सुधारो यार अपने आप को, इतनी जल्दी अगर ओवरफ्लो कर जाएगी तो फिर क्या मतलब, आदमी टैंक फुल कराएगा और तेल गिरते रहेगा। चाटे मारूंगा। चलते हैं अभी अपना, और हम लोग जो अपना जर्नी करने वाले हैं टोटल हाईवे में रहेंगे हम लोग, लोकल का कोई सीन नहीं है, ठीक है। तब तक इंजॉय कीजिए कुछ सिनेमैटिक शॉट्स।
सो दोस्तों अभी हम पहुंच गए दुर्गापुर आई हॉस्पिटल, दिशा आई हॉस्पिटल। तो अभी हम लोग गाड़ी हम लोग के देखिए कितना चल गई है, 111.6 किलोमीटर। और इसकी MID में अगर आप एवरेज देखें तो ये शो कर रही है 65 किलोमीटर पर लीटर। अब पता नहीं क्या सिस्टम है यार, हमको समझ में नहीं आ रहा है ये एवरेज है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा, जो भी व्हाटएवर। तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ अपना काम ख़त्म करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलेंगे और फिर वही पेट्रोल पंप से बाद में जाके वही रिफिल कराएंगे इसको और पूरा फुल टैंक कराएंगे और फिर देखते हैं इसका एवरेज क्या मिलती है हम लोग को। सो स्टे ट्यून्ड विद अस। और मैं इस गाड़ी का कुछ एडवांटेज, कुछ मतलब डिसएडवांटेज भी बताऊँगा कि गाड़ी चलाने में कैसी है, कम्फर्टेबल क्या है, नहीं है, कुछ ड्रॉबैक मुझे लगी इस गाड़ी में। तो बने रहे इस वीडियो को लास्ट तक, बताऊँगा सब कुछ। हम लोग वहीं पे इसको टैंक फुल करेंगे और देखते हैं इसमें कितनी तेल आती है इस टैंक में। अभी तक तो इसकी एक भी सुई डाउन नहीं हुई है, देखिए। सो मीटर यहाँ जीरो हो गया है, अब यहाँ हम लोग तेल डालते हैं, देखते कितना तेल लेता है। फाइनली हमारी जो फ्यूल इसमें आई है वो है 534.82, मतलब 5 लीटर 36 पॉइंट। सो करते सो किलोमीटर कोई इसमें अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। सो भाई फाइनली हम लोग इसमें तेल डाले वो है 5.36 और गाड़ी आपकी चल गई है। तो 218 पकड़ेंगे क्योंकि हम लोग एक किलोमीटर थोड़ा पेट्रोल पंप से इधर आ गए, बहुत वह नॉइज़ थी। तो अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं उस हिसाब से तो यहाँ आपको देखेगा कैलकुलेशन दिखेगा 40.70 समथिंग है, मतलब 40 के लमसम पकड़ी। और अगर आप इस पॉइंट को हटा देंगे तो 43 का एवरेज घुस जाएगा। और गलती एक और है कि हम जब रिटर्निंग इसमें तेल डाले थे तो क्या किया था कि पेट्रोल पंप वाला कुछ ज़्यादा ही तेल डाल दिया था, देखिए इसके चलते भी थोड़ा सा लग रहा 19-20 का फ़र्क आ गया एवरेज में, क्योंकि देखिए यहाँ नोटिस कीजिए फ्यूल गिर रही है। सो दोस्तों फाइनली आपको रिजल्ट मिल गया, इसकी एवरेज लमसम मिल रही है 40 पॉइंट समथिंग का है और कंपनी क्लेम भी उतना ही लगभग। और इस गाड़ी में मुझे जो डिसएडवांटेज ये लगी कि अगर आप इसकी जो पीछे की सीट में बैठते हैं, जो भी है, अगर आपके साथ कोई बंदा बैठेगा यार वो ना थोड़ा बहुत अनकम्फर्टेबल है वो सीट। होता क्या ना कि इसका जो पोजिशन देख रहे हैं आप, यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा इस डाउन पोजिशन में है, अगर आप बैठेंगे यहाँ से तो ये डाउन में चल जाती है, बहुत अनकम्फर्टेबल लग रही थी बैठने में। अगर सिंगल राइड कर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा एक और पॉइंट मुझे ये लगी कि इसकी टैंक पता नहीं क्यों यहाँ पे हीट हो रही है, अब पता नहीं यहाँ पे कोई मशीनरी पार्ट से कि क्या है, आई डोंट नो, अब TVS वाले जाने। सो ठीक है, गाड़ी चलाने में बहुत कम्फर्टेबल है नो डाउट, इसका राइडिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी मुझे, ब्रेकिंग भी बहुत सॉलिड है और बाकी सब यही सब ठीक है। तो मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, तब तक के लिए बने रहे। सो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो अगर आप चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें वीडियो को।